ये घर अगर उसने हमें खरीद के नहीं दिया तो मैं उसकी बेटी को भी यहाँ नहीं रहने दूंगी। खुदा का खौफ करो, ऐसा ना सोचो, ना सोचो। मैं बहुत सोच समझ कर ये कह रही हूँ। मुझे तुमने तमाशा किया, बीना को यहाँ से निकालने पे मजबूर किया, वो बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बेहतर यही है कि तुम बीना को वापस इस घर में लेकर आओ, वरना मेरी नजरों में हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी इज्जत खत्म हो जाएगी। आप सब कह दीजिए कि टाल दिया, मना कर दिया, दोबारा समझने की कोशिश करो बेटा। सब समझते, आपसे कुछ नहीं होगा, अब सब मैं खुद देखूं। तो शहीर को पसंद करती हो ना? हमने तो यही तय किया था कि साल डेढ़ साल में तुम्हारी शादी कर देंगे, मगर अब। मगर अब क्या डैड? मगर अब ऐसा मुमकिन नहीं है बेटा। जी मैं डिजाइनर हूँ, कपड़े बनाती हूँ, और जो जोड़े आसमानों पर बनते हैं ना, उनके शादी के जोड़े जमीन पर मैं बनाती हूँ। मुझे खाना बनाना और खिलाना बिल्कुल नहीं आता, मुझे सिर्फ उधेड़ना और सीना आता है। तुम्हें सिर्फ अपने ख्वाब प्यारे हैं, मेरे भी कुछ ख्वाब हैं। अम्मी कोई ना कोई तो होगा ना जो मेरे लिए बना है, जो मेरी ख्वाहिश मेरे पैशन को समझेगा। हर एक नजर जाए ठहरे जब सामने आई हूँ मैं, बनने लगे ख्वाबों के घर हर आँख पे छाई हूँ मैं। है कौन मेरी तरह कोई बताए जरा, आसमान अल्लाह। ये तो बिल्कुल उल्फत भाई जैसे हैं। तो अगर तुम उल्फत भाई को इतनी ही अच्छी तरह जानती हो तो फिर शादी भी उन्हीं से कर लेती, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? देखा बिल्कुल उल्फत भाई लगे हैं इस पर। मेरी समझ में नहीं आता आखिर तुम चाहती क्या हो। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप मुझे थोड़ी सी आजादी दे दें, अकेला छोड़ दें मुझे, बल्कि मैं यहीं से चली जाती हूँ। शाकिर और इकराम नाम के दो लोग हैं, इस वक्त दोनों फरार हैं। उन्होंने ही लोगों को भड़काया था और मोहल्ले की एक औरत के जरिए भाभी को अखवा भी उन्होंने ही करवाया था। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि बचत होगी। लड़की जात है, तुम उसे प्यार से समझाओगी तो समझ जाएगी। आजकल उसकी तरफ से बहुत बेचैन हूं मैं। क्यों, क्या हुआ? बस एक दफा मेरे को एतबार कर लो। एतबार कर लो, इससे ज्यादा और क्या एतबार कर सकती हूँ? तुम्हें जाने बूझे बगैर अपना पूरा अख्तियार तुम्हें सौंप दिया। तुम फिक्र नहीं करो, मैं जलाल से खुद बात करूंगी। क्या बात करेंगे आप? कौन सी बात सुन लेता है वो आपकी? बस कर दें।